नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों और बाहुबली नेताओं के खिलाफ योगी प्रशासन की कार्रवाई जोरों पर है। कई बाहुबली नेता अपने काले कारनामों की वजह से जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी और गुर्गे पुलिस की कार्रवाई के डर से फरार चल रहे हैं। कई गुर्गों पर तो पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ है। इन सब कार्रवाई के मद्देनजर प्रशासन के निशाने पर मुख्य तौर पर वो नेता है जिन्होंने किसी वक्त सत्ता के नशे में कानूनी व्यवस्था और आम जनता का शोषण किया था। इनमें से कुछ नाम है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, रामलोचन यादव, विजय मिश्रा। हालांकि ये सभी सफेदपोश गैंगस्टर जेल की सलाखों के पीछे नरक भोग रहे हैं और इनके गुर्गे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस बीच इनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ पुलिस काफी समय से फरार चल रहे बाहुबली नेता और मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश का सिर्फ दावा ही कर रही थी, जबकि 25,000 रुपए का इनामी अब्बास ने जयपुर में बड़े ही शानो शौकत के साथ निकाह भी कर लिया। निकाह के फोटो इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से वायरल होते ही लखनऊ पुलिस सिर्फ हाथ मलती नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल अब्बास अंसारी के निकाह की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद राजधानी पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। हजरतगंज कोतवाली में आरोपी अब्बास अंसारी, उसके भाई और मां पर शत्रु संपत्ति कब्जा करने के मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। इससे पहले जिला प्रशासन LDA की टीम और पुलिस की टीम ने मुख्तार अंसारी के लखनऊ में अवैध भवन को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद हजरतगंज पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद से अब्बास और उमर और अंसारी पर सितंबर 2020 में इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक ही लाइसेंस पर कई खतरनाक असले रखने के मामले में भी अब्बास पर FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में की जांच STF कर रही थी और उसने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था, जिसके बाद 8 जनवरी को आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन अब्बास ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए वो वहां पर नहीं आया। आपको यह भी बता दें कि इंस्पेक्टर हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला ने मुताबिक मामले की विवेचना की जा रही है, हालांकि अभी तक निकाह की पुष्टि नहीं हुई है, तो वहीं सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मामला क्या है यह भी आपको बता दें। मुख्तार अंसारी और उसके बेटों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान मकान बना लिया था, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर हजरतगंज कोतवाली में बाहुबली विधायक व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। दरअसल प्रभारी लेखपाल GMO सुरजन लाल की तहरीर पर यह रिपोर्ट लिखी गई थी। आरोप है कि डालीगंज स्थित मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज जमीन को उनके पाकिस्तान जाने के बाद जालसाजी से अपने नाम कराया था, तो इसी मामले में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और तभी से ये लोग फरार चल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये शादी की खबर सही निकलती है या फिर झूठ। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर शिकंजा कस पाएगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें VK News UP। धन्यवाद।